सोशल मीडिया पर हिमांशी खुराना को गुस्से में देखा जा रहा है। वेल, उनके गुस्से में आने की वजह क्या है, क्यों उनकी कार पर हमला हुआ हाल ही में, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। दोस्तों, हिमांशी खुराना जो कि अपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की जोड़ी को लोग काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। ऐसे में हाल ही में सोशल मीडिया पर वो भड़की थी लोगों के ऊपर कि क्यों उन्हें आसिम रियाज की गर्लफ्रेंड के नाम से लोग पुकारते हैं, क्यों नहीं हिमांशी के बॉयफ्रेंड के नाम से आसिम को पुकारा जाता है। तो इस बात को लेके वो काफी ज्यादा भड़की थी। उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि लोग ये जानते हैं या मानते हैं कि मैं आसिम की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड के नाम से क्यों नहीं आसिम रियाज को जाना जाता है, जस्ट बिकॉज मैं महिला हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे एक टैगलाइन दे दी गई है। एक कारण ये था कि वो गुस्से में आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात शेयर करी। अब हाल ही में खबरें आई हैं कि हिमांशी खुराना पंजाब में जहां शूटिंग कर रही थी एक गांव में, वहीं पर उनकी गाड़ी पर देर रात हमला हुआ, यहां तक कि लोगों ने उनके टायर का पंचर तक कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी छोटी हरकतों से वो नहीं डरने वाली है, वो अपने काम को कंटिन्यू रखेंगी और अपने काम में जो है और भी ज्यादा मेहनत करेंगी। तो क्या कोई है जो हिमांशी खुराना के काम को पसंद नहीं करता, या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हिमांशी खुराना को लोग प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे इस खबर के बारे में, हिमांशी खुराना के बारे में, उनके करियर के बारे में? जो भी है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।